बीएससी ज्वाइन करा ले, बहुत सारे सर तरीके हैं जो इसको रिजॉल्व किया जा सकता है। तो आप इनके चेहरे पर दर्द देख सकते हैं, और भी लोग, काफी लोग हमारे साथ हैं, सिर्फ महिलाएं नहीं है, पुरुष भी हैं हमारे साथ। कब कब आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर कब मिला? मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा नाम पंकज कुमार गौतम है और 2460 का मैं हूँ, आवेदक हूँ। पहले तो मैं गवर्नमेंट का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत दिल से, अपनी साइड से और 1000 लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं उनकी साइड से। बस कि हमारे टोटल 5500 है सर अभी जो यहाँ पे कैंडिडेट हैं, अभी जो सीटें जो भर गई हैं, जो कैंडिडेट हैं वो 600 कैंडिडेट हैं टोटल, और इनके 1000 कैंडिडेट में इस हिसाब से बता रहा हूँ, उनके माँ बाप भी बैठे हुए हैं, भाई बहन माँ बाप इस तरह। टोटल जो ज्वाइनिंग लेटर मिला था वो कितने लोगों? 6000, 5.5 से 6000 तक है कैंडिडेट जिनको मैं ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है। मेरा सिर्फ गवर्नमेंट से, पहले तो गवर्नमेंट को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी साइड से और इन लोगों की साइड से, कि 7 साल हमारा सुप्रीम कोर्ट में केस चला, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तब जाके हमको गवर्नमेंट ने ज्वाइनिंग लेटर दिया। उसके लिए मैं गवर्नमेंट को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सिंगल बैंड, डबल बैंड, ये सब चला, कुल मिला के हमको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया। ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद सब लोगों ने मिठाइयाँ, ये सब चीज़ जिस तरह से, मतलब ये सब काम किया। अब कंक्लूजन ये है कि हम खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें 2.5 महीने हो चुके हैं और ऐसा क्यों किया जा रहा है। जैसे अभी कुछ न्यूज़ चैनल वाले पूछ रहे थे मेरे से कि आपको ऐसा क्यों किया जा रहा है, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। जब गवर्नमेंट ने ज्वाइनिंग लेटर दिया है तो हमको स्कूल अलॉट भी कराए, कार भाड़े करने के लिए, अगर स्कूल अलॉट नहीं हो रहा है एटलीस्ट कम से कम बीएसए ऑफिस में साइन करवाइए और बीएसए ऑफिस का कार्य करके। जब अगर स्कूल अलॉट नहीं हो रहा है तो आप लोगों की तनख्वाह तो मिले, खैर हाँ। अब इसमें प्रॉब्लम इशू क्या है, इसमें बिहार शिक्षक भर्ती के बहुत सारे लेडीज, जैसे कि एक मैडम बैठी है यहाँ पे, एक जो सर वहाँ पे खड़े हुए वो ऑलरेडी जॉब पे थे, तनख्वाह पा रहे थे, 5-5 साल से वर्किंग थे, सिर्फ नियर बाई आने के लिए वहाँ से एनओसी देके वहाँ से जॉब को रिजाइन करके यहाँ पे आए हैं कि इनको क्या कि यहाँ पे ज्वाइन कर जाए, क्योंकि जब ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है तो इसका मतलब ज्वाइन भी हो जाएंगे यहाँ पे। अब उन्होंने वहाँ पे जॉब ड्रॉप कर दी है और यहाँ पे ज्वाइन हुआ नहीं है, यहाँ पे अब मिल गया ना बीएससी में साइन, तो वो कहाँ जाए? उनकी तैनाती क्या बिहार में थी? उनकी तैनाती बिहार में थी और ज्वाइनिंग लेटर लेके बैठे हैं। और रामपुर में जो सिपाही थे वो अमेठी से जो हुए हैं सेलेक्ट, वो एनओसी दे के ऊपर से पैसे दे के एनओसी के चार्ज वर्ड देखिए, जो ट्रेनिंग में थे, ऐसे कितने सारे कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी किसी जॉब पे थे वहाँ से रिजाइन करके आए और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसलिए आए थे कि उनको तैनाती, किसी से पूछते हैं, गवर्नमेंट से पूछते हैं, किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है, किस तरह का कुछ भी नहीं हो पा रहा है। आप 3 महीने कम्प्लीट होने वाले हैं, 2.5 महीने आज की डेट पे हमको हो चुके हैं। हम सिर्फ एक यही गुहार लगाना चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने ज्वाइनिंग लेटर दिया है तो गवर्नमेंट हमें तैनाती भी दे, स्कूल आवंटन कराए, स्कूल आवंटन नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट बीएससी में साइन कराए, बीएससी में कार्य ग्रहण तो करवाए एटलीस्ट, कि हमारा कुछ तो हो। ये तो वो लोग थे जो ऑलरेडी जॉब पर थे, मगर ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी 4000-5000 की जॉब कर रहे थे, इवन 2000-2000 रुपए की स्कूल टीचर में जॉब कर रहे थे, वो सब अपना घर, अपना मतलब परिस्थितियां चला रहे थे, अपने घरों चला रहे थे। कैंडिडेट कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी मम्मी बीमार है, जिनके मतलब फादर नहीं है, जिनके फादर नहीं है, मम्मी बीमार है, मगर वो 2-3 हजार रुपए की जॉब कर रहे थे, कि उनको एक खुशी चाहिए थी कि एक जॉब मिल चुकी है, सिर्फ एक आश्वासन मिल गया था। मगर अभी जो देखा जाए तो किसी तरह का कोई स्कूल आवंटन नहीं हुआ है, उनकी जॉब नहीं है। आप देख सकते हैं कि लोगों के चेहरे पे जो उनका दर्द है वो साफ तौर पे देख सकते हैं। और भी लोग हमारे साथ हैं, कुछ महिलाएं बैठी, इनसे भी जानेंगे। कहाँ से आप आए? हम तो इलाहाबाद से आए हैं। आपको भी नियुक्ति पत्र मिल गई थी? हमको भी भैया नियुक्ति पत्र मिल गया है। तो आवंटित नहीं हुआ, इसमें किसकी लापरवाही? नहीं हुआ, 7 तारीख को हमारी नियुक्ति पत्र माननीय सचिव साहब के द्वारा निर्धारित किया गया था, जिससे हम सब लोग अपना नियुक्ति पत्र ग्रहण कर लिए थे। बाकी हम लोगों का विद्यालय आवंटन नहीं है। 2 महीने से हम लोगों का मानसिक शोषण इतना हो रहा है, इतना मानसिक हो रहा है कि हम क्या बताएं भैया, अनुरोध करना चाहते हैं माननीय सचिव साहब से, माननीय मुख्यमंत्री साहब से, जो भी इस विभाग से जुड़े हुए, सबसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि हमारा विद्यालय आवंटन करें और जल्द से जल्द हमको कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दें, ताकि हम अपने विद्यालय में जाएं और बच्चों को शिक्षा ग्रहण कर सकें और हम लोग भी अपना का आगे का भविष्य देख सकें, ताकि हम तो बहुत आभार व्यक्त करते हैं साहब का, जिन्होंने हमको नियुक्ति पत्र दिया।
हमको तो उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि ये 2016 से ये वैकेंसी कोर्ट में चल रहा था। डबल बेंच के आर्डर से माननीय सचिव साहब ने इस भर्ती को कंप्लीट किया है और करते भी रहेंगे। इसलिए बस उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि माननीय सचिव साहब हम लोगों को जल्द से जल्द विद्यालय आवंटन करने की कृपा करें। आप देख सकते हैं चेहरा, आप देख सकते हैं नवनियुक्त शिक्षकों का, जिन्हें रीज्वाइनिंग लेटर तो मिल गया है लेकिन नियुक्ति नहीं मिली, इनका चेहरा देख सकते हैं आप कि किस तरह से मायूस आप। मैं इटावा से हूँ, इटावा जिले से। तो आपको भी ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है लेकिन नियुक्ति नहीं मिली। हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है, हम लोग को नियुक्ति नहीं मिली है। तो क्या इससे पहले आप कहीं जॉब कर रहे थे? हम लोग प्राइवेट जॉब कर रहे थे और हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे जमा हो गया है डाइट पे। अब हम लोग वहाँ जॉब से भी हाथ धो बैठे हैं, हम लोग के पास जीविका चलाने के लिए कुछ भी ऑप्शन नहीं है। इसलिए हम लोग सरकार से बस एक ही अनुरोध करना चाहते हैं कि कैसे भी करके हमें कार्यभार ग्रहण कराया जाए। हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोगों का 7 साल से मानसिक शोषण इतना हुआ है। 7 साल के बाद हम लोग नियुक्ति पत्र पाए, तब भी हम लोग को अभी तक सफलता नहीं मिली। आप देख सकते हैं सभी के हाथों में है, सभी के हाथों में नियुक्ति पत्र है, जिन्हें 1 तारीख और 7 तारीख यानी कि 1 जनवरी और 7 जनवरी को नियुक्ति पत्र इन सभी महिलाओं को और पुरुषों को मिल गया था। इनकी ज्वाइनिंग लेटर मिल गया लेकिन अभी इनको कार्यभार नहीं मिला, इन्हें अभी विद्यालय जो है आवंटित नहीं कराए गए हैं। इनके चेहरे पर आप दर्द जो है साफ देख सकते हैं। कुछ महिलाएं जो ऐसी भी हैं जो अच्छी स्कूल में पढ़ा रही थी, जॉब कर रही थी प्राइवेट, और उन्हें छोड़कर ये इन्हें छोड़ने के बाद ये फिर जो है यहाँ पर अपने नियुक्ति को लेकर काफी परेशान है। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में लगातार, अभी इससे पहले भी शिक्षा नवनियुक्त जो शिक्षा में थे वो भी धरना दे रहे थे लगातार अपनी मांगों को लेकर। अब ये 2016 का मामला है और 2016 में इन लोगों का पेपर निकला था भर्ती का, और इन्हें 1 जनवरी 2024 को और 7 जनवरी 2024 को अलग अलग लोगों को बुलाकर करीब 5,500 लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दिया गया लेकिन इन्हें नियुक्ति नहीं मिली है। आसिफ खान, न्यूज़ फोर नेशन।